नमस्कार दोस्तों, आपका निष्ठक यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो आप सामने हीटर देख रहे हैं, जो दो राड का हेलोजिन रूम हीटर है और ये इनल्सा न्यून V2 है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये हीटर है तो आप इसकी राड अगर जहाँ कुछ और ख़राब हो जाता तो आप इसको कैसे घर पर ठीक कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में देखते हैं, जानते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं इसको ऑन करके इसमें खराबी क्या है, दिक्कत क्या है, तो हमारे साथ बने रहिए। तो फ्रेंड्स, इसको सबसे पहले हम सप्लाई देख के, जो 220 वोल्टेज सप्लाई से चलता है, तो इसको हम पहले ऑन करके देख लेते हैं इसमें दिक्कत क्या है। तो फ्रेंड्स, हमने इसको पावर से सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है और इसके स्विचेस ऑन हैं। अब देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। ये देख पा रहे होंगे आप, ऊपर वाली राड है, जो ऊपर वाली ट्यूब जो हेलोजन ट्यूब है वो चल रही है, बट जो नीचे वाली है वो नहीं चल रही, और इसकी जो स्विचेस हैं ये दोनों ऑन पोजीशन पे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो नीचे वाली रॉड है ये जल चुकी है, इसे हमें रिप्लेस करना है। तो फ्रेंड, इसको कैसे रिप्लेस करना है ये आपको हम बताएंगे, बहुत ही आसान है, ये आप खुद भी घर में इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई भी हीटर हो आपने सिर्फ ध्यानपूर्वक ठीक करना है, क्योंकि एक तो इलेक्ट्रिकल का मामला रहता है, इलेक्ट्रिकल से आपने सावधानी देखनी है कि कहीं शॉक शॉक ना हो। आप जब भी काम करें, चेक करें तो अपना सेफ्टी के साथ करें। तो फ्रेंड्स, अब हमने इसको रॉड को बाहर निकाल लेते हैं और उसकी जगह नई रॉड चेंज करते हैं। फ्रेंड्स, सप्लाई इसकी ऑफ करने के बाद आपने क्या करना है, इसके ये स्क्रू आप देख रहे होंगे, ये इसके चारों साइड पे वाटर पे स्क्रू लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आपने इसको सबसे पहले स्क्रू को खोल लेना है। तो फ्रेंड्स, इसके स्क्रू ओपन हो चुके हैं, अब इसको हम खोल लेते हैं। जब फ्रेंड्स आप इसको आप स्क्रू खोलते हैं तो ये देखिए अंदर से कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो स्क्रू लगे हुए हैं इस नीचे वाली प्लेट को, स्टील प्लेट को, ये आपने सारे खोल लेने हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम स्टील स्क्रू इसके खोल लेते हैं, जो स्टील प्लेट को स्क्रू लगे हैं, इसको खोलने के बाद हमारी जो रॉड है जो जल चुकी है उसको हमें रिप्लेस करना है। तो हमें ये इसके दोनों साइड आपको दिख रहा होगा, ये कुछ इस प्रकार होता है, जिस जो वाली रॉड खराब है उसके हमें यहाँ से स्क्रू खोलना है। तो उसको स्क्रू खोलने के बाद हमें वायर कनेक्शन को अलग कर लेना है, ये वाला हम स्क्रू खोल के, इसको दोनों साइड में वायर लगी होती है, और इसको ये देखिए इस साइड भी ये वायर लगी हुई है, आपको यहाँ से स्क्रू को खोलना है और ये रॉड बाहर निकल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप जब दोनों साइड से इसकी वायर को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, जैसे इधर से हमने कर लिया है, उसके बाद हमने क्या करना है, ये आप स्ट्रिप देख रहे हैं, ये वाली स्ट्रिप आप कोई भी स्ट्रिप दोनों साइड से एक ही जैसी होती है, ये स्ट्रिप के आपने इसको ऐसे कर लेना है, इसको ये पिन लगी हुई है, ये ध्यान से देखिए, ये इसको इस पिन को आपने बिल्कुल स्ट्रेट करना है और इसको भी स्ट्रेट करना है, तो ये हो जाएगी। तो इसको आप जैसे ही आप इसको दोनों साइड से पिन को स्ट्रेट करते हैं तो ये देखिए, ये अब स्ट्रिप ये इसको दबाएँ, इसको पीछे दबाएँ और ये बाहर निकल जाएगी। तो इस साइड से खोलिए आप, इस साइड से इधर से खोलनी पड़ेगी आपको, तो इसको भी ये स्ट्रिप है वैसे ही इसको अंदर की तरफ लॉक है, और इसके लॉक आप जैसे सीधे करेंगे तो ये जो स्ट्रिप है ये बाहर आ जाएगी। उसके बाद आपकी ये जो राड है इसको आपने पकड़ना है और ये बिल्कुल सीधी अपने आप यहाँ से बाहर निकल आएगी। तो ऐसे ही आपको राड को यहीं से दूसरी को नई को लगाना है, तो उसे लगा देना है। ये देखिए ये नई राड है और इसको हमने ऐसे ही इसको अंदर लगा देना है जैसे हमने उसको निकाला है, इसी होल से आपने ऐसे डालना है, और ये देखिए यहाँ से सीधा उसके अंदर इसके अंदर इसको लगा दीजिए। और अब इसके ऊपर वही स्ट्रिप जो हमने निकाली थी इसको इसके ऊपर रख के
अब अंदर से इसको प्रेस कर देना है। ये देखिए अंदर से प्रेस हो चुकी है, रबर आर्ट इसकी बिल्कुल फिट हो चुकी है। उसके बाद आपने इसके कनेक्शन लगा लेने हैं, तो कनेक्शन इसके जैसे हमने खोले थे वैसे उसी तार को हमें वापस इधर लगा देना है। तो सबसे पहले आप इसको फिट करके इसके स्क्रू लगा लीजिए, इसके हमने जो स्क्रू खोले थे वो इसको लगाने हैं। ये बिल्कुल आसान है, आप अपने घर में खुद ही इसको आसानी से कर सकते हैं। हाँ थोड़ी बहुत आपको, अगर नए हैं जहाँ तो पहली बार करें आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, थोड़ा समय लग सकता है, वरना अगर जो काम जानता है थोड़ा इलेक्ट्रिकल का वो तो इसको इजी आसानी से कर लेगा। अब हमें इसके कनेक्शन कर लेने हैं, तो ये जैसे खोले थे हमने वैसे ही इसको वापस लगा देने हैं। वायर को वहाँ लगा के आप इसको नट को ऊपर से अच्छी तरह से कस लीजिए। फ्रेंड्स इसके कनेक्शन जो हैं वो हो चुके हैं, अब हमें इसको वापस जैसे हमने इसको खोला था वैसे इसको बंद कर देना है। ये देखिए इसकी वायर को थोड़ा सा एडजस्ट करके एक कॉर्नर में साइड में कर लीजिए, जहाँ पे टच ना करें स्टील के साथ से टच ना करें ताकि पिघलने का डर रहता है, तो इसलिए इसको साइड साइड पे रखना है। जब आप वायर सेट कर लेते हैं तो उसके बाद आप इसको स्क्रू लगा दीजिए। स्क्रू लगाने से पहले हम एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको स्क्रू लगा देंगे। तो इससे पहले हमें इसको पावर सप्लाई देनी है और इसको चेक कर लेते हैं इसकी दोनों रॉड चलती हैं या नहीं। फ्रेंड्स इसकी अब दोनों रॉडें चलने लगी हैं, तो अब आप इसको स्क्रू इसकी लगाकर बंद कर सकते हैं। इसकी पावर सप्लाई डिसकनेक्ट करके आप इसको अब स्क्रू लगा लीजिए। तो फ्रेंड्स हमारा हीटर बिल्कुल ओके हो चुका है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन भी दबा देना, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।